जयपुर की, जहां बीजेपी की 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पार्टी ने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो कवर्धा प्रत्याशी विजय शर्मा पर आपराधिक केस दर्ज है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां बीजेपी के 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इसकी जानकारी पार्टी ने खुद चुनाव आयोग को दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। तो कवर्धा प्रत्याशी विजय शर्मा पर आपराधिक केस दर्ज है। इसके साथ ही 8 प्रत्याशियों में 2 महिला प्रत्याशी भी शामिल है, जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। तो प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पर मामला दर्ज है। इसके साथ ही सरायपाली से सल्ला कोसरिया पर आपराधिक केस दर्ज है। प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना अनिवार्य है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, और ऐसे में अब पार्टी ने खुद इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पार्टी ने चुनाव आयोग की इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अगर प्रत्याशियों का आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहता है तो इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देना अनिवार्य होता है। ऐसे में तय मापदंडों के अनुसार पार्टी ने इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। बता दें कि बीजेपी के 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि दूसरी सूची भी जारी कर दी है। दूसरी सूची में 64 नाम सामने आए थे, और अब देखिए बीजेपी के 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। कवर्धा प्रत्याशी विजय शर्मा पर आपराधिक केस दर्ज है। इसके साथ ही प्रतापपुर से शकुंतला सिंह, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उन पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 2 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। कुल मिलाकर 8 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है, और पार्टी ने चुनाव आयोग की इसकी जानकारी दे दी है। तो रायपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पार्टी ने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी है। तो बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन ने निर्देश जारी किए थे कि अगर किसी भी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी तुरंत इलेक्शन कमीशन को दी जाए, और इसी के तहत जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश थे, जो मापदंड है, उसी के अनुसार अब बीजेपी ने चुनाव आयोग को ये जानकारी दे दी है कि 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 8 प्रत्याशियों में आपको बताते चले कि 2 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। कवर्धा प्रत्याशी विजय शर्मा पर आपराधिक केस दर्ज है। प्रतापपुर से जो शकुंतला सिंह है, उम्मीदवार है बीजेपी की, उन पर भी मामला दर्ज है। इसके साथ ही सरायपाली से सल्ला कोसरिया, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है, उन पर भी FIR दर्ज है पहले से, और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे में अब इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है।